हुआ यही है कि हम वो काम कर रहे हैं जो कि जो इस देश के असली दुश्मन हैं, भारत के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं, भारत के संविधान के खिलाफ हैं, उन लोगों की जड़ों बुनियाद पे हम लोग चोट पहुंचा रहे हैं। तो इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि जो संविधान के दुश्मन हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सोच के दुश्मन हैं, वो लोग हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे ही। और ये कोई पहला हमला नहीं हुआ है मेरे ऊपर, मगर आज सिर्फ इसी की बात करते हैं। तो मैं ये शुरू करना चाहता हूं इस बात को कह के कि हमारे मुल्क में दो ही आइडियोलॉजीज शुरू से रही हैं, कोई तीसरी आइडियोलॉजी इसके बीच में आती है तो वो एक आइडियोलॉजी के सपोर्ट में ही होती है, और वो है मनुवाद। तो हमारे मुल्क में दो आइडियोलॉजीज हैं, एक है मनुवाद यानी कि मनुस्मृति के मानने वाले, मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट कराने के इच्छुक लोग, या जो उनको चाहते हैं इंप्लीमेंट कराएं, जो ये चाहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर ना हो, इंसान अछूत रहे, इंसान को पानी नहीं पीने दिया जाए एक जगह से, इंसान को नौकरी नहीं करने दी जाए, इंसान के पास वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए, ये सब कुछ ही लोगों के पास ये सब राइट्स होने चाहिए, हकूक होने चाहिए, और वो बाकी सबका खून चूस के अपने आप को मजबूत हृष्ट पुष्ट और ताकतवर रखें। यह है मनुवाद। दूसरा है अम्बेडकरवाद। वो ये कहता है जैसा इस्लाम में है कि सब बराबर है, आर्टिकल 14, और सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, ये भी इस्लाम की बात है। तो एज ए मुस्लिम भी मेरा फर्ज है कि मैं भारत के संविधान को बचाऊं और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उनकी आइडियोलॉजी पे चलूं। तो एज ए सिटीजन भी मेरा फर्ज है और एज अ मुस्लिम भी मेरा फर्ज है। तो इसकी बुनियाद पर हम तीसरी चीज हम क्या कर रहे हैं जिससे जो मनुवादी मानसिकता के आरएसएस के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। मनुवाद क्या चाहता है कि बाबा साहब की हर चीज को डिस्ट्रॉय किया जाए, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो ये जो जुल्म हो रहे हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है, तो जुल्म खुद कर रहे हैं वो हर तरह के, और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज के लिए कि SC ST का और OBCs का और माइनॉरिटीज का यकीन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से कमजोर हो, कि संविधान उनको बचाने में, उनकी मदद करने में, उनको नौकरियां दिलवाने में, उनकी जान बचाने में, उनकी इज्जत बचाने में सक्षम नहीं है, यानी कि काबिल नहीं। ये उनकी बेसिक जो आइडियोलॉजी है या जो इस पे वो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, और अब पिछले 7 साल से क्योंकि उनकी सरकार ही आ गई है तो वो पूरी ताकत से उस पर काम कर रहे हैं। तो ये है उनकी कोशिश। हमारी कोशिश क्या है कि संविधान के ऊपर से लोगों का, कमजोर लोगों का विश्वास ना उठे। हम क्या दिखा रहे हैं बार बार अपने सारे जो हम कार्रवाइयां कर रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं कि चाहे कितने भी मुश्किल हालात अभी मुल्क में है, चाहे तो जुडिशरी भी आज लोग उसको भी शक भरी नजरों से देख रहे हैं, और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस स्वयं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि हम पे सरकार का दबाव है, मतलब लबोलुआब ये है कि पूरे मुल्क की सारी इंस्टीट्यूशंस जो है कॉम्प्रोमाइज्ड आज महसूस की जा रही हैं आम नागरिकों द्वारा या आम सिटीजन्स शहरियों द्वारा। इस हालात में भी हम लोगों को ये करके दिखा रहे हैं कि इन मुश्किल हालात में भी संविधान और आईन का और कानून का जो रास्ता है वो आपको इंसाफ दिला सकता है, आपके हकूक दिला सकता है, आपको आराम से बराबरी का दर्जा रखते हुए मुल्क में रहने की सलाहियत दे सकता है। यह उनकी सबसे बड़ी हमसे दूसरी परेशानी है। तो हम उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, दूसरा हम संविधान के ऊपर से, आईन के ऊपर से, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से लोगों का यकीन नहीं उठने दे रहे। तो ये दोनों परेशानियां हमसे हैं, और उसमें हमें अल्लाह ताला से रिजल्ट भी मिल रहे हैं।